मेगा फाइनल का मैच रहेगा। ओपनर बैट्समैन दोनों ही इस वक्त आते हुए मतीन खान और सागर पाटिल जो पारी की शुरुआत करेंगे। अमीदुज्जमान अंसारी की एक नई सोच, फ्रेंड सर्कल की एक नई पहल यहां पर, जिसका आज ये मेगा फाइनल का मैच शुरू होने जा रहा है। भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर हम देख रहे हैं कि भिवंडी शहर के तमाम खिलाड़ी इस वक्त इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे, और अब दो टीमें दोस्तों फाइनल में यहाँ पर खेलती हुई। एबी स्पोर्ट्स ने टॉस को जीता है, पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है। दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं इंडियन इलेवन की तरफ से। पारी की शुरुआत करते हुए वहां पर मतीन खान और नॉन स्ट्राइक पर है सागर पाटिल, हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर एम्पायर फारूक बर्डी सर और शकील कोटी सर, जबकि गेंदबाजी में देखना है पहला ओवर लेकर आएंगे फाइक अंसारी। मैच की शुरुआत पहली गेंद के साथ वहां पर फाइक, सामना करेंगे मतीन खान। मेगा फाइनल की पहली गेंद के साथ वहां फाइक, पहली गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखी थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया है मतीन खान ने। मेगा फाइनल की दोस्तों शुरुआत होती हुई, सिंगल से खाता खुलता हुआ मतीन खान का और इंडियन इलेवन का। क्या बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट रहा था, तीन दिनों का ये टूर्नामेंट जहां पर एक से बढ़कर एक टीमें हमें दिखाई दी थी, लेकिन यहां पर अब ये जो दोनों टीमें खेल रही है दोनों ही बहुत ही बेहतरीन टीमें, और जो परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, लगातार दो गेंदें वहां पर विकेटों के बीच में गेंद को रखी है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी उसी बीच वहां पर देखना है। एम्पायर फारूक बर्डी तीसरे एम्पायर की तरफ चले, तीसरे एम्पायर की वहां पर मदद ली गई है, देखना है मेगा फाइनल की शुरुआत दूसरी गेंद के ऊपर तीसरे एम्पायर की मदद ली गई है। देखना है ये पूरा मैच इसी तरह का हमें देखने को मिलेगा। देखना है वहां पर क्या कुछ होता है, दूध का दूध और पानी का पानी अब यहां पर हो जाएगा। लेकिन पहली दो गेंदें वहां पर फाइक अंसारी की दोनों बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी देखने को मिल रही है फाइक अंसारी द्वारा। बहुत ही रिस्की रन पूरा करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाजों ने, देखना है कि क्या कुछ होता है वहां पर। फाइक अंसारी की ये गेंद बिल्कुल विकेटों के बीच में ये गेंद रही थी, और फिर से वहां पर सागर ने इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला था नीचे बैकलिप से। वहां पर दोनों ही बैट्समैन बल्लेबाजी करते हुए काफी तेज गेंद की तरफ वहां पर आते हुए, देखिए फाइक अंसारी वहां पर अब जाकर गेंद को फील्ड किया है। डायरेक्ट थ्रो तो वहां पर लगा था फाइक अंसारी का, अब देखना है एम्पायर का क्या डिसीजन रहता है। एक बार और देखने की मांग की है हमारे एम्पायर गोकुल पाटिल सर ने। नॉट आउट, तो सिंगल से यहां पर खाता खुला है अब सागर पाटिल का। पहली दोनों गेंदें वहां पर बहुत ही बेहतरीन रही थी, और सिंगल सिंगल से अपना खाता खोलते हुए मतीन खान और सागर पाटिल। ऑन साइड में इस गेंद को खेला, वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस द लाइन गेंद को खेल दिया है मतीन खान ने। इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मतीन खान, स्लॉग से बहुत ही बेहतरीन लगाते, लेकिन इस बार देखना है कि एलिवेशन नहीं मिला था और अराउंड दी ग्राउंड गेंद को खेल दिया था, जिसपे सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। पहली तीन गेंदें वहां पर गेंदबाजी भी अच्छी देखने को मिल रही है, बल्लेबाजी भी हम देख रहे हैं कि दोनों बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हुए। इस बार स्विच हिट लगाया वहां पर, लेकिन देखना है फिर से रिस्की रन पूरा किया है। लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों जो बैट्समैन है मतीन और सागर बहुत ही रिस्क उठा रहे हैं।
और वैसे भी दोस्तों कहा जाता है ना कि क्रिकेट में रिस्क नहीं लेना यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। रिस्की रन वहां पर लगातार पूरे करते हुए दोनों ही बैट्समैन, चार गेंदों में अब तक सिर्फ चार रन खर्च किए वहां पर फाइक अंसारी का ये ओवर अच्छा घटता हुआ। पावर प्ले में गेंदबाजी करे, पांच पांच ओवर का ये मैच, पहला ओवर पावर प्ले, उसके बाद जो चार ओवर रहेंगे वो नॉन पावर प्ले के रहेंगे। एक बार फिर से फाइक अंसारी, इस बार छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर मतिन खान ने, गेंद की लाइन को जज नहीं कर पाए थे, समझ नहीं पाए थे वहां पर इस गेंद को मतिन खान। मेगा फाइनल का ये मैच है, ये चीज भी हम भूल नहीं सकते, और मेगा फाइनल में आप इस तरह से अगर गेंदों को छोड़ेंगे तो फिर ये सही संकेत नहीं आपकी टीम के लिए। हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है मतिन खान, एक और अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा पहला ओवर यहां पर एबी स्पोर्ट्स के लिए। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है फाइक अंसारी द्वारा, पावर प्ले में वहां पर सिर्फ दो चार रन खर्च किए, कमाल की गेंदबाजी, दोनों ही बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि दो दो रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छा ओवर घटता हुआ यहां पर फाइक अंसारी का, लेकिन अच्छी बात यह है कि मतिन खान और सागर पाटिल अभी भी वहां पर टिके हुए, ये अच्छी बात है इंडियन इलेवन के लिए। टॉस हारकर इस मैच में पहले बैटिंग करती हुई, मेगा फाइनल का ये मैच, चुकी है और अब ओवर नंबर दो में आएंगे दीप बहरिया। दीप बहरिया को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहला ओवर फाइक अंसारी का बहुत ही बेहतरीन रहा था, जहां पर बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दिया था वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन देखना है कि सागर और मतीन अभी भी वहां पर मौजूद है। और गेंदबाजी में अब दीप बहरिया ओवर नंबर दो लेकर आते हुए एबी स्पोर्ट्स की तरफ से, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन ये भी एबी स्पोर्ट्स को नहीं भूलना चाहिए कि बाद में आप ही को बैटिंग करनी है, तो समय में थोड़ा सहयोग करना होगा क्योंकि बाद में आप ही को बैटिंग करनी है एबी स्पोर्ट्स। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई दीप बहरिया, पहली गेंद वहां पर दीप की, देखना है कौ कॉर्नर की दिशा में गेंद को खेला है, माजिद वहां पर मौजूद है, अब जाकर वहां पर बैकअप किया है उमर खान ने, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने दो रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन लगाया था वहां पर सागर पाटिल ने, कौ कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था, तेज कदमों से इस बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने, दो रनों की मदद से स्कोर अब 6 पर जा पहुंचा है। पहली गेंद दूसरे ओवर की जिसपे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर रही है, इस बार अच्छी गेंद वहां पर, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया है सागर ने, सिंगल रन अब स्कोर में आता हुआ। अब तक जिस तरह से ये आठ गेंदों का खेल हुआ उसमें बल्लेबाजी भी अच्छी देखने को मिली है, गेंदबाजी भी अच्छी देखने को मिली है, और दो बेहतरीन टीमें जब खेलती है तो फिर मैच और खेल इसी तरह का देखने को मिलता है। इस बार देखना है स्लॉग किया है अकबर शेख वहां पर आते हुए, आउट हो गए मतिन खान, पहला विकेट गिरता हुआ इंडियन इलेवन का, मतिन खान आउट होकर वापस लौटते हुए। थैंक यू डीजे, डीजे वाले ने भी सही कहा है, पास वो आने लगी है जरा जरा, अब ट्रॉफी से थोड़ा सा पास आ रही है यहाँ पर, देखना है लेकिन कौन सी टीम बहुत ज्यादा पास आएंगी, इंडियन इलेवन या फिर एबी स्पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पर पहली सफलता अपनी टीम को दिला दी है दीप बहरिया ने, मतिन खान आउट होकर वापस गए हैं, नए बैट्समैन लेकिन अब आए है अमजद शेख। सेमीफाइनल मैच में क्या बेहतरीन बैटिंग रही थी अमजद शेख की, मैन ऑफ द मैच रहे है सेमीफाइनल मैच के। अब देखना है कि मेगा फाइनल में जो इस टूर्नामेंट की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी किस तरह से रहेंगी। दीप बहरिया पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था उन्होंने, विकेट लेने के बाद वहां पर न्यू बैटर अमजद खान अपनी पारी की शुरुआत करते हुए, 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद इंडियन इलेवन। अमजद शेख इस बार देखने वहां पर दीप की ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ इस बार गेंद को रखी थी और ये सिंगल रन, अब व्हाइट का ये सिंगल रन स्कोर में आता हुआ।
इस बार देखने हैं वहां पर अपील जरूर की गई है विकेट कीपर द्वारा। लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। गेंद की लाइन से थोड़ा सा हटकर खेलना चाहते थे वहां पर अमजद शेख। लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही। पहले ओवर में फाइक अंसारी ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, चार रन दिए थे, हालांकि विकेट नहीं मिली, लेकिन इस ओवर में विकेट हासिल की है दीप बहरिया ने और अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी रही है उनकी सागर पाटिल। इस बार सागर ने इस गेंद को खेला है, देखना है वहां पर खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई डाउन द ग्राउंड गेंद चले गई है चार रनों के लिए। वहां पर सागर के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। फिर से इस बार देखना है इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई कवर की दिशा में, दो खूबसूरत बाउंड्री वहां पर, बैक टू बैक दो गेंदों पर दो बाउंड्री आती हुई सागर पाटिल के बल्ले से। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है जिसमें रन बनाए गए हैं 17। दीप बहरिया की लास्ट की दो गेंद के ऊपर दो बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी वहां पर सागर पाटिल ने। फाइक अंसारी को एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। पहला ओवर अच्छा रहा था फाइक अंसारी का, जिसमें पावर प्ले में सिर्फ चार रन खर्च किए थे उन्होंने। एक बार फिर से अब उन्हीं को बुलाया गया है। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई फाइक अंसारी। फ्लिक करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर अमजद शेख, लेकिन देखना है हैंपर फारूक बर्डी सर का व्हाइट का इशारा था। व्हाइट गेंद के साथ यहां पर अपने ओवर की शुरुआत की है फाइक अंसारी ने। पैरों पर गेंद को रखने की कोशिश की थी, लेकिन जो गेंद की लाइन थी वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी, वही कारण था कि यहां पर एम्पायर ने इस गेंद को व्हाइट गेंद करार दिया है। 18 पर अब स्कोर जा पहुंचा है एक विकेट गंवाने के बाद इंडियन 11। इस बार इंप्रूव कर दिया वहां पर, इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेला है। हालांकि गैप तराशना चाह रहे थे वहां पर अमजद शेख, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और ये सिंगल रन आया है स्कोर में। थोड़ा यहां पर हम देख रहे कि संभल कर खेल रहे अमजद शेख। अमजद शेख जो पिछले मैच में गजब की उनकी बैटिंग रही थी, लगातार तीन गेंदों पर तीन सिक्सर भी आए थे उनके बैट से, और इस मेगा फाइनल में भी काफी उम्मीदें हैं अमजद शेख से इंडियन 11 को। लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में भी अच्छी रही थी और इस ओवर में भी यहां पर फाइक अंसारी एक गेंद की जिसमें दो रन खर्च के पहली वाइड रही थी और इस बार सिंगल रन लिया है। लेकिन दूसरी तरफ सागर पाटिल वो बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए, वो इस बार देखना है वहां पर फाइक की गेंद नो बॉल वहां पर बीमार गेंद किया और गेंद चले गई है लॉन्ग लेग की दिशा में। टोटल 5 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इस बार खराब गेंद की वहां पर फाइक अंसारी ने। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी वहां पर, फुल टॉस गेंद रही थी, वेस्ट हाइट के ऊपर ये गेंद थी और थोड़ा सा जगह बनाकर गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। टोटल 5 रन आए इस गेंद के ऊपर। ये तीसरी बाउंड्री लगाई है सागर पाटिल ने, चौके की हैट्रिक भी अगर हम देखें तो चौके की हैट्रिक भी हुई यहां पर सागर पाटिल की। इस बार फिर से वहां पर देखना है फुल ब्लेडेड स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर। देखना है कि क्या कुछ होता है। एक बार फिर से वहां पर तीसरे एम्पायर की मांग की गई है।
देखना कि इस बार क्या होता है वहां पर। इस मैच की जो दूसरी गेंद थी उसके ऊपर भी तीसरे अंपायर की मांग की गई थी, वहां तो मतीन खान बच गए थे, लेकिन अब देखना है कि यहां पर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। मिडल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था उस गेंद को वहां बैट्समैन सागर पाटिल ने, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया, जहां पर दीप बहरिया वहां पर मौजूद थे। अब जाकर गेंद को कलेक्ट किया वहां पर फाइक अंसारी ने, और देखना है कि क्या वहां से फैसला आता है एम्पायर गोकुल पाटिल सर का। तीसरे ओवर का ये खेल चल रहा, अब दो बार हम देख रहे हैं कि तीसरे एम्पायर की मदद ली गई है, क्योंकि देखिए मैच ही ऐसा है, मेगा फाइनल का ये मैच है। गॉन, ओ यू टी आउट। दूसरे रन लेने की कोशिश की थी वहां पर सागर पाटिल ने, लेकिन अपना विकेट गवा दिया है। बैटिंग कर रहे थे, तीन बाउंड्री आई थी उनके बैट से, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपना विकेट गवा दिया है। दूसरे रन की चाह में यहां पर सागर पाटिल का विकेट गिरा है। नए बैट्समैन अब मुनाफ शेख आया है इस टूर्नामेंट में, और आज के दिन हमने देखा है कि मुनाफ शेख ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग किया है, सिक्सर की हैट्रिक भी लगाई है उन्होंने, और पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, और इस मैच में ये मेगा फाइनल का जो मैच है इसमें भी यहाँ पर मुनाफ शेख को एक अच्छी पारी खेलनी होगी। देखना क्या कुछ होता है वहाँ पर। पिछली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था फाइक अंसारी ओवर नंबर तीन करते हुए। कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर और विकेट गिरता हुआ आउट हो गए बैट्समैन अमजद शेख, एक और विकेट गिरता हुआ इंडियन इलेवन का।
28 तीन विकेट गंवाने के बाद भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी जिसे आप तक लेकर आए अमीदुज्जमान अंसारी। छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने और ये एक और अच्छी गेंद रही है फाइक अंसारी की। ओवर की समाप्ति होते हुए तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए 28 रन तीन विकेट गंवाने के बाद इंडियन 11। पहले तीन ओवर में तो उतने रन नहीं जोड़ पाए यहां पर इंडियन के बल्लेबाज, लेकिन अभी भी वहां पर दो बेहतरीन बैट्समैन मौजूद है हैदर सैयद और मुनाफ शेख। अब देखना है बची हुई 12 गेंदों में कितने रन जोड़ेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी और ये जो टी शर्ट आप देख रहे जो टीमें टी शर्ट पहनकर खेल रही हमें ये स्पॉन्सर की है क्लास वन डिजाइनर स्टूडियो ने हमें ये टी शर्ट स्पॉन्सर की। साथ ही साथ जो पानी की सुविधा हमें उपलब्ध की है वो ओ टू लाइव ड्रिंकिंग वाटर ने स्पॉन्सर की। शायद पापा जी ने हमें स्पॉन्सर की है जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदर को भी नीचा दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद पापा जी। साथ ही साथ विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब मेमन हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में आज लेदर क्रिकेट के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी शाद भाई हमारे बीच में मौजूद हम उनका भी शुक्रिया अदा करते। साथ ही साथ दानिश खोत साहब और हर्षा धोंडो जो ओपन क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा नाम है हर्षा धोंडो बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन की जो गिफ्ट एम्पायर वो हमें स्पॉन्सर किया है। गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी साहब और इम्तियाज पापा जी आरके फ्रीट एमजे स्पोर्ट्स गैसुद्दीन शेख और रजी कुवारी साथ ही साथ जकी कैटरेट्स और नूरुलैन शेख साहब और शारिफ नाचन के नाम इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड है बोल्ड हैट्रिक का रिकॉर्ड है इसी ग्राउंड पर। आइए दो ओवर में अब क्या होता है बताएंगे रकीब अंसारी। बहुत ही खूबसूरत गेंद पहली गेंद वहां पर छोड़ दिया था मुनाफ शेख ने जाने दिया था गलत फैसला। ऐसे मौके पर तो अक्सर छेड़ देना चाहिए ना कि छोड़ देना चाहिए। डॉट बॉल के साथ चौथे ओवर की शुरुआत हुसैन खान गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवाई फायर गेंद हवा में लेकिन मिस टाइम है लेकिन चूक हुई है वहां पर माजिद बोबड़े सर नहीं रोक पाए उमर खान चार रनों के लिए गेंद। अगर इस चौके की मदद से हम स्कोर देखें तो कुल 32-32 मुनाफ शेख अच्छे टच में नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। देखना है ये कप आज किसके साथ जाने वाला है। अगली गेंद इस बार जाने दिया है सही फैसला व्हाइट बॉल अंपायर का कॉल व्हाइट की मदद से स्कोर 33 रनों पे पहुंचता हुआ आप देख रहे हैं अमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 भिवंडी के इतिहास में पहली दफा ये एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर सिर्फ शहर के क्रिकेटर्स सबको नजर आ रहे हैं एक्शन में। इस बार शोडम्पुल पावरफुल सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इसके बाद भी एक ओवर का खेल बाकी है देखना है कितने रन एबी स्पोर्ट के लिए काफी है। इस वक्त वीआईपी मंच की जीनत को दुबाला करें नियाज मलबारी जी इम्तियाज पापा साद शेख साहब जो कि हमारे स्पॉन्सर इम्तियाज पापा भी हमारे एक बहुत अच्छे स्पॉन्सर जिन्होंने कीमती ताउन पेश किया है। साथ ही साथ वहां पर वकील साहब भी मौजूद हैं और मुस्लिम भाइया भी मौजूद हैं बहुत अच्छे ग्राउंड कमेंटेटर हैं वो ऑफ कमेंट्री बहुत अच्छी करते हैं। 39-39 मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में आप देख रहे हैं इस वक्त खिताबी जंग देखने चैंपियन की ट्रॉफी जाएगी किसके संग और कौन भरेगा मेगा फाइनल में रन। 39 सिक्सर के हैट्रिक पे 500 रुपए का इनाम है नियाज मलबारी जी की तरफ से। इस बार जाने दिया है मुनाफ शेख ने व्हाइट बॉल अंपायर का कॉल 40 रन पूरे होते हुए देखिए अगर 50 खेल को स्कोर को यहां पर पार कर लिया इंडियन 11 ने तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी एबी स्पोर्ट्स की। अमीदुज्जमान अंसारी और फ्रेंड सर्कल ग्रुप की मेहनत रंग लाती हुई
बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार परफेक्ट वाइड यॉर्कर, उसे सिर्फ दिशा दिखाई, बल्ले के फेस को आखिरी मोमेंट पर खोल दिया था सिंगल की मदद से। स्कोर 41-41। इस मैच के बाद हम सबका जॉब हो जाएगा डन, रन बनी है 41। स्ट्राइक पर आते हुए हैदर सैयद, पिछले मैच में विनिंग शॉट लगाया था इन्होंने, सिक्सर लगाकर टीम की नैया को पार लगाया था, लेकिन अब मेगा फाइनल में देखना है क्या कुछ कर पाएंगे। अभी तक दो बॉल में एक रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हुसैन खान के ओवर में एक बाउंड्री और एक मैक्सिमम स्ट्रोक देखने को मिला है। इस बार बहुत तेजी से बैट को घुमाया है और वहां पर देखना एम्पायर का कोई भी इशारा नहीं, अपील बहुत तेज तर्रार की थी। देखिए प्लीज समय का ख्याल रखना है, अगली बल्लेबाजी आपकी है, अभी स्पोर्ट्स इस बात को ध्यान में रखना है। चौथे ओवर का भी खेल चल रहा है, वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है, वक्त मानो इस वक्त रेत की तरह जितना मुट्ठी में कसो उतनी तेजी से पिसलती जा रही है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हमें वक्त के लिए उठना पड़ता है। रन बने हैं 41-41। गेंदबाजी कर रहे हैं हुसैन खान, राइट आर्म राउंड द विकेट। अगली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, खुद उच्च के नीचे गए थे हुसैन खान, लेकिन कैच आई थिंक हम्माद अंसारी ने पकड़ा है। ये देखिए, जब डीजे पपिया को बजाना होता है तब खोए रहते हैं, जब नहीं बजाना होता है तब छाए रहते हैं, इनका भी एक अलग अंदाज है। आउट होकर हैदर से ये लौट रहे हैं नए बल्लेबाज आमिर अंसारी, देखना है क्या ये पड़ेंगे भारी। चार ओवर का खेल खत्म हो चुका है, अगर हम टोटल रन देखें तो सिर्फ 41-41, एक अच्छा टोटल नजर आ रहा है यहाँ पर। आखिरी ओवर लेकर आए हैं टीम के कप्तान अकबर शेख, देखना है कि अच्छी गेंदबाजी करेंगे पेश, और करना भी होगा क्योंकि क्रूशियल मोमेंट है ये, आखिरी ओवर है, डेट ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी ताकि कम से कम टोटल पे रोका जाए यहाँ पर इंडियन इलेवन को। अकबर शेख राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद हवा में, उसके नीचे उमर खान, क्या कमाल का रनिंग कैच पकड़ा है यहाँ पर उमर खान ने। सारी टीम के कप्तान, कप्तान वर्सेस कप्तान, लेकिन देखना है कौन चलेगा सीनातान, और दोनों ही आमिर अंसारी, लेकिन देखना है कौन पड़ेगा किस पे भारी। लेकिन हमीदुज्जमान अंसारी पूरे शहर में भारी पड़ चुके हैं, जो इन्होंने काम किया है हर वक्त हर किसी के जुबा पर छाए हुए हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, पहली दफा कोई भी काम करना मुश्किल होता है, एक बार अगर आप कर दो तो काफी लोग उस राह पर चल पड़ते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, वहां पर जमीनी सारे से खेला, बड़े स्ट्रोक की कोशिश थी लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट पर माजिद बोबड़े मौजूद, एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हूँ 42। देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पिछले आज कई सालों से खेला जा रहा था लेकिन दोहरा शतक नहीं लगा था, जब लगाया सचिन तेंदुलकर ने तो उसके बाद लाइन लगना शुरू हो गई, लोगों को यकीन हो गया कि दोहरा शतक भी लगाया जा सकता है ओडीआई क्रिकेट में। उसी तरह सिटी फॉर्मेट लोग सोच तो रहे थे लेकिन किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमीदुज्जमान अंसारी ने वो काम किया। जमीनी सहारे से खेला, एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग की तरफ, हम्माद अंसारी मौजूद, थोड़ा सा फंबल लेकिन एक ही रन हो पाएगा मुकम्मल।
43-43, लेकिन देखना है। देखिए अगर इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई भी सिक्सर का हैट्रिक लगाता है तो 5000 का इनाम है असरार अंसारी और पप्पू जी की तरफ से। 5000। ओ स्विंग एंड मिस डॉट बॉल। बड़ा इनाम है लेकिन क्या कमाल का ओवर कर रहे हैं अकबर शेख। डेथ ओवर में एक परफेक्ट गेंदबाजी। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर में। फील्डर मौजूद है, एक और विकेट। तो आखिरी में क्या कमाल की गेंदबाजी। गिर चुके हैं टोटल 6 विकेट। आप देख रहे हैं खिताबी जंग, देखने ट्रॉफी जाएगी किसके संग, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। हमें करना होगा और 5 ओवर का इंतजार। बाबा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आमिर अंसारी ने वो कैच पकड़ा था, फाइक अंसारी और हमाद अंसारी के छोटे भाई। एक टीम में 3 भाई खेल रहे हैं तो तबाही आनी तो जरूरी है। और आमिर अंसारी की अगर हम बात करें तो 3-3 है, 2 इंडियन 11 में, 1 AB Sports में, जिन्होंने अभी कैच पकड़ा था। आमिर अंसारी का कैच आमिर अंसारी ने ही पकड़ा। बाबा आए अब स्ट्राइक पर इस इनिंग की आखिरी गेंद। देखना क्या बाबा कोई बड़ा स्ट्रोक लगाकर मैच की इस इनिंग को फिनिश करेंगे या फिर अकबर शेख अच्छी गेंदबाजी बरकरार रखेंगे। क्या कमाल का ओवर घटा है, सिर्फ 2 रन आखिरी ओवर में। आपका कप्तान इससे अच्छा आपको और क्या करके दे सकता है। अपना सब कुछ निछावर कर दिया है अकबर शेख ने। इस बार बहुत तेजी से बैट को घुमाया लेकिन जमीनी सारे से डीप स्क्वायर लेग पे। 1 रन नहीं आएगा, दूसरे के लिए जा रहे हैं लेकिन रन आउट हो जाएंगे वहां पर आमिर अंसारी। तो इसी के साथ इस इनिंग का खेल हुआ है खत्म। रन बने 44। देखना है किसका कह दिल कहेगा वंस मोर। 44 अब 45।
उन्होंने, और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए अब अख्तर शेख को बुलाया गया है। मैच को शुरू करना है, अख्तर गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आपको। अख्तर शेख पहली गेंद के साथ वहां पर सामना करेंगे उमर खान। पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर बोल्ड कर दिया उमर खान को, बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर अख्तर शेख की। पहली गेंद के ऊपर एबी स्पोर्ट्स का विकेट गिरता हुआ उमर खान आउट होकर वापस लौटते हुए। क्या बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर अख्तर शेख की, कमाल की ये गेंद रही थी। फ्रंट फुट को आगे निकालकर वहां पर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, सीधा गेंद जाकर स्टंप से लगती हुई। ये पहला विकेट अब यहां पर गिरा है, उमर खान आउट होकर वापस लौटते हुए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए उमर खान। पिछले मैच में 64 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली थी, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि अपना खाता, अपना अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाए। पहली गेंद के ऊपर बड़ी मछली जाल में फंसी है, बड़ा विकेट गिरा है उमर खान के रूप में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां अख्तर शेख की। अख्तर शेख ने भी इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। नए बैट्समैन आए हैं, अशीर अंसारी आए हैं। अशीर अंसारी अपनी पारी की शुरुआत करते हुए इस सीजन अच्छी बल्लेबाजी की है BC4 फॉर्मेट में अशीर अंसारी ने, लेकिन देखना एक नई पहल यहां पर अमीदुज्जमान अंसारी की, भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी जिसका ये मेगा फाइनल चलता हुआ। अशीर ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर अशीर अपने अंदाज में सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है। पहली दो गेंदें वहां पर अख्तर शेख की बहुत ही बेहतरीन रही है। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल किया था जहां पर उमर खान का विकेट हासिल किया, और इस बार ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर न्यू बैटर अशीर अंसारी, लेकिन लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया, सिंगल से खाता खुला है एबी स्पोर्ट्स का। हमाद अंसारी और अशीर अंसारी अब क्रीज पर है, 45-45 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था रकीब कि ये जो टारगेट है ना बहुत ज्यादा बड़ा है ना बहुत ज्यादा छोटा है, बिल्कुल मिडल में ये टारगेट है, लेकिन समय में सहयोग करना है, खेल को शुरू करना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। अख्तर गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आपको, सामना करेंगे इस बार हमाद। इस बार देखना है वहां पर अख्तर की गेंद वाइट, वाइट गेंद इस बार की वहां पर अख्तर शेख ने, एक रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ। एक नई पहल यहां पर अमीदुज्जमान अंसारी ने की, और कहा जा रहा है कि इस रमजान के बाद एक और टूर्नामेंट किया जाएगा इसी प्रकार का। फिर से वहां पर देखना अख्तर की ये गेंद। इस टूर्नामेंट में अख्तर शेख की खास बात यह रही कि जब एक वाइड गेंद डालते हैं तो फिर उसी ओवर में दूसरी और तीसरी भी वाइड गेंद डालते हैं वो। पिछले मैच में भी हमने यही देखा था, और इस मैच में भी अब लगातार दो वाइड गेंदें की है 3 पर स्कोर। और वाकई में जब से मैं अख्तर शेख को देख रहा हूं ये पहली बार ऐसा हो रहा था के साथ कि वो इतनी वाइड गेंदें डाल रहे, हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है अख्तर शेख। इस बार वहां पर देखना फ्लर लेंथ की ये गेंद थी, स्ट्रोक खेलते साथ ही वहां पर रन के लिए निकल गए थे बैट्समैन हमाद अंसारी, और ये सिंगल रन आया है स्कोर में। लेकिन एक ही अच्छी बात अख्तर की, जब वो मिडल में गेंदबाजी करते हैं तो फिर उस पर हिट, बड़े हिट नहीं आ पाते। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक मैच में उन्होंने 10 गेंदें फेंकी थी, 10 गेंदें फेंकने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 10 ही रन खर्च किए थे। ये अच्छी बात उनकी रहती है कि बड़े हिट उनकी गेंदे पर नहीं आए उतने इस टूर्नामेंट में। अपने स्टेप में चुके वहां पर गेंदबाज, 4 पर स्कोर। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल किया था उमर खान, जैसे बल्लेबाज का विकेट हासिल किया था वहां पर अख्तर ने।
इस बार देखना है फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, सागर गेंद के नीचे आते हुए आउट हो गए वहां पर बैट्समैन अशीर अंसारी, दूसरा विकेट गिरता हुआ एबी स्पोर्ट्स का। तो विकेट वहां पर गिरा है अशीर अंसारी, इस वक्त अब आउट होकर वापस लौटते हुए नए बैट्समैन आएंगे हुसैन खान। बहुत बढ़िया ओवर ये घट रहा है अख्तर शेख का, अब तक दो विकेट हासिल कर चुके हैं अख्तर शेख। चार रन दो विकेट गंवाने के बाद एबी स्पोर्ट्स मेगा फाइनल का ये मैच और 45 रनों का टारगेट है इस वक्त एबी स्पोर्ट्स के सामने। आते ही साथ वहां पर देखना है धमाका कर दिया हुसैन खान ने, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर गेंद को फेंक दिया है, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर हुसैन खान के बल्ले से। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 10 पर, गजब का स्ट्रोक। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया है हुसैन खान ने, फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को खेल दिया था, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। इस सेकंड इनिंग का ये पहला सिक्सर ठोक डाला है वहां पर हुसैन खान ने। स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, पिछली गेंद पर वहां पर एक अच्छा स्ट्रोक आया था लेकिन इस बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेग बाय के रूप में फिर से सिंगल रन आया स्कोर में। ओवर की समाप्ति भी होती हुई, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 11 दो विकेट गंवाने के बाद। तुरंत ही फील्डिंग लगानी, खेल को शुरू करना है इंडियन 11, फील्डिंग आपको तुरंत ही लगानी होगी, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, समय को जाया नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। दूसरे ओवर में अब अली अंसारी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 11 दो विकेट गंवाने के बाद। तो देखना है खेल वहां पर रुका हुआ है, मेगा फाइनल का ये मैच चलता हुआ, भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी की आखिरी लड़ाई इस वक्त चलती हुई, खिताबी जंग। सेकंड इनिंग का ये खेल चलता हुआ, 45 का टारगेट है एबी स्पोर्ट्स के सामने। पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली थी अख्तर शेख द्वारा, दो विकेटे, दोनों ही अहम विकेटे निकाली थी उन्होंने, पहले उमर खान उसके बाद अशीर अंसारी, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हम्माद और हुसैन वहां पर मौजूद है, दो बेहतरीन बैट्समैन अभी भी वहां पर मौजूद है। अली अंसारी गेंदबाजी के लिए आए है, फिर से देखने वहां पर हुसैन ने इस गेंद को खेला है, आमिर गेंद के नीचे आते हुए विकेट वहां गिरा है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था वहां पर हुसैन खान ने, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लंबाई कम थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर इस वक्त समाप्त करते हुए आमिर अंसारी मिड विकेट की दिशा में, विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ हुसैन खान इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। तो तीसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है
एबी स्पोर्ट्स का हुसैन जो एक सिक्सर लगाए थे, फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था उन्होंने। ये तीसरा विकेट अब यहाँ पर गिरता हुआ एबी स्पोर्ट्स का। नए बैट्समैन अब टीम के कैप्टन अकबर शेख। ग्यारह पर स्कोर, तीन विकेट गंवाने के बाद एबी स्पोर्ट्स। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की वहां पर गेंदबाज अली अंसारी ने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है वहां पर अली अंसारी की। इस टूर्नामेंट में हम देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अली अंसारी का। इस बार देखने वहां पर सॉफ्ट हैंड से गेंद को खेल दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर, विकेट एक और गिरता हुआ, आउट हो गए वहां पर इस बार हमाद अंसारी। चौथा विकेट अब यहां पर गिरता हुआ एबी स्पोर्ट्स का। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था वहां पर अकबर शेख ने। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी और स्ट्रोक सॉफ्ट हैंड से इस गेंद को खेला था, और खेलते साथ वहां पर रन के लिए निकले थे लेकिन रन के लिए राजी नहीं रहे थे वहां पर हमाद अंसारी, मिस अंडरस्टैंडिंग, और ये अपना विकेट गंवाते हुए चौथा विकेट अब यहां पर गिर चुका है एबी स्पोर्ट्स का। दूसरे ओवर की जो शुरुआत हुई है, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की थी अली ने, और इस बार रन आउट हो गए बैट्समैन हमाद अंसारी। नए बैट्समैन अब माजिद बोबड़े आते हुए बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी लगातार बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर हो रही है। पहले ओवर में जिस तरह से अख्तर ने गेंदबाजी की थी, और इस ओवर में हम देख रहे हैं कि अली अंसारी अब तक रन इस ओवर में नहीं आया, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 11 रन, चार विकेट गंवाने के बाद एबी स्पोर्ट्स। माजिद बोबड़े न्यू बैटर अपनी पारी की शुरुआत वहां पर करते हुए, फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए वहां पर मतीन खान। तो विकेट जाने के बाद एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई अली अंसारी सामना करेंगे इस बार माजिद। इस बार अली की ये गेंद वहां पर देखना है अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वाइट। एक रन अब और स्कोर में आता हुआ, अब तक हम देखें तो सेकंड इनिंग में ये तीन वाइट गेंदे की गई है। बल्लेबाज से थोड़ा दूर की तरफ रखने की कोशिश की थी वहां पर अली अंसारी ने गेंद को। इस बार देखना है वहां पर गैप में गेंद को खेल दिया है, काफी दूर से आमिर आते हुए थोड़ा सा फंबल किया, लेकिन बल्लेबाज इस बार दूसरा रन नहीं ले रहे क्योंकि उनको पता है इसी ओवर में हमाद अंसारी रन आउट हुए है। सिंगल रन इस बार पूरा किया है वहां पर बल्लेबाजों ने। 13 पर स्कोर, लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अभी भी यहां से 32-32 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन यह भी हम भूल नहीं सकते कि पावर हिटर अकबर शेख वहां पर मौजूद है। उसी बीच वहां पर अकबर शेख ने गेंद को खेल दिया है, गेंद गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अपने ही अंदाज में इस गेंद को खेल दिया वहां पर अकबर शेख ने, पावर हिटर हिट करते हुए इस बार कमाल का स्ट्रोक। बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद थी, थोड़ा सा सफल हुए, जगह बनाए और गेंद को भेज दिए मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अकबर शेख की खास बात ये कि फाइनल मैच में बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हैं। पिछले सीजन जो पड़गा में टूर्नामेंट था चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने, उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी। फिर से देखना वहां पर उसी तरह का स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद की लाइन को मिस की वहां पर अकबर शेख ने, और ये डॉट गेंद होती हुई। एक हमारी एक तुम्हारी इस वक्त चलते हुए बीच ग्राउंड पर, और पूरा मैच अगर हम देखें तो इसी प्रकार का गुजरा है। इस बार अपनी तरफ आने दिया वहां पर गेंद को, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया, और फिर से वहां पर एक सिंगल रन, रिस्की रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। बहुत तेज कदमों से ये एक सिंगल रन पूरा किया अकबर और माजिद ने। ओवर की समाप्ति भी होती हुई, दो ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 20। अब यहां से 25 रन चाहिए, 18 गेंदे और 25 रन चाहिए।
मैच अगर हम देखें तो बिल्कुल बराबरी पर है, लेकिन चार विकेट गिरी है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन ये भी नहीं भूल सकते कि माजिद और अकबर वहां पर मौजूद है, और गेंदबाजी में देखना है कि अब अमजद शेख को बुलाया जा रहा है, अमजद शेख गेंदबाजी के लिए आते हुए। अमजद शेख इस टूर्नामेंट में हम देखें तो जब जब विकेटों की जरूरत पड़ी है इंडियन इलेवन को, तब तक उन्होंने विकेट निकाल कर दी है, अपनी टीम को हर बार इस टूर्नामेंट में कमबैक करा कर दिया है। बिल्कुल बराबरी पर, हालांकि अब तो ये मैच चल रहा है, दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें 20 रन बने हैं। अब यहां से 18 गेंदे और 25 रन चाहिए, 45 का टारगेट है, 25 रन चाहिए। खेल की शुरुआत एक बार फिर से, थोड़ा खेल को फास्ट करना है अमजद, देखिए प्लीज थोड़ा सहयोग करें क्योंकि रोशनी बिल्कुल अब कम हो चुकी है। अमजद प्लीज, अमजद गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। ओवर नंबर 3 में वहां पर अमजद शेख को बुलाया गया है। सामना करेंगे पहली गेंद का, अच्छी गेंद वहां पर, विकेटों के बीच में गेंद को रखी थी, देखना एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला है अकबर शेख ने, रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद रही थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया था वहां पर अकबर ने, सिंगल रन आया है स्कोर में। ओवर नंबर 3 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है, सिंगल रन लेकर वहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया और अब स्ट्राइक पर आया है माजिद। फिर से वहां पर देखना है कि देखिए बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, प्लीज अमजद इंडियन इलेवन। इस बार अमजद की ये गेंद देखना है, शॉट अंपुल लगाया है, कैच वहां पर छूटता हुआ, बहुत तेज ये स्ट्रोक लगाया था वहां पर माजिद ने, शॉट अंपुल लगाया था इस गेंद के ऊपर, काफी तेज गेंद मिड विकेट की दिशा में गई थी जहां पर कैच वहां ड्रॉप हुआ है, शायद आकाश पाटिल वहां पर मौजूद थे, उनसे ये कैच ड्रॉप हुआ है, सिंगल रन अब स्कोर में आता हुआ। पहली दो गेंदें वहां पर अमजद शेख की अच्छी रही है, दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर और स्कोर को पहुंचा दिया है 22 पर अब स्कोर। एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये मैच चलता हुआ, भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी का ये मेगा फाइनल का मैच चलता हुआ। ओ इस बार राइजिंग डिलीवरी रही थी, अच्छी गेंद इस बार रही वहां पर अमजद की, कहीं ना कहीं थोड़ा जो अमजद के पास जो पेस है उसे बीट हो गए थे बैट्समैन अकबर। 23 रन अब यहां से चाहिए। फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर अकबर शेख ने, एक और अच्छी गेंद वहां पर अमजद द्वारा, बल्ले के अंदर आकर इस बार गेंद लगी थी, सिंगल रन फिर से स्कोर में आता हुआ 23 पर स्कोर। 23 रन बन चुके और 22 चाहिए, और गेंदे हम देखें तो अब तक जो गेंदे बची हुई है 14 गेंदे और 22 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। चार गेंदों में अब तक अमजद शेख ने सिर्फ 3 रन खर्च किए है। इस ओवर में सिंगल में ही बैटिंग की गई अब तक, देखना 2 गेंदे अभी भी बची हुई वहां पर अमजद शेख की, और इस बार सामना करेंगे माजिद बोबड़े। इस बार वहां पर गेंद की लाइन से बहुत ज्यादा अलग होकर गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग लेग को क्लियर करना चाहते थे वहां पर माजिद, लेकिन इस बार देखना है गेंद की लाइन को पूरी तरीके से, एक और अच्छी गेंद वहां पर डॉट गेंद एक और होती हुई, अब डॉट गेंदों से भी यहां पर बचना होगा एबी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। इस बार देखना है खेल दिया इस गेंद को, गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी आते हुए विकेट की राय आउट हो चुके अब यहां पर माजिद बोबड़े, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर बाबा शेख द्वारा।
एक और विकेट अब यहां पर गिरता हुआ, हेवी स्पोर्ट्स का माजिद बोबड़े आउट होकर वापस लौटते हुए। तीन ओवर का अब यहां पर खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए 23, पांच विकेट गंवाने के बाद अब बचे हुए दो ओवर में जो रन चाहिए वो 22 रन चाहिए, 12 गेंदे और 22 रन चाहिए। अब देखना है कि फाइक अंसारी अब बैटिंग के लिए आए हैं, फाइक अंसारी बैटिंग के लिए आए लेकिन कमेंट्री में आएंगे रकीब अंसारी। थैंक यू वेरी मच मजहर खान, गेंदबाजी के लिए देखना है। चौथा और इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अख्तर शेख, इंडियन 11। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है कि टीम के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है। अख्तर शेख लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं अकबर शेख, शेख बनाम शेख। इस बार अच्छी गेंद वहां पर अच्छे अंदाज में खेले, गेंजारी डीप कवर की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक रन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैच बहुत ही कट टू कट आगे बढ़ रहा है इस वक्त, क्लैश ऑफ टाइटन आप देख रहे हैं, खिताबी जंग देखना है, चैंपियन की ट्रॉफी जाएगी किसके संग। 24 बने अब यहां से और 21 चाहिए, गेंद बची है 11 बॉल में 21 रन। इस ओवर के बाद देखना है आखिरी ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आएगा। अख्तर शेख लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट फाइक अंसारी के लिए, फुल टॉस और फुल टोल वसूल लिया है वहां पर फाइक अंसारी ने, पड़ गए भारी, सिक्सर लगाकर पिक्चर को बदलने की कोशिश की है यहां पर फाइक अंसारी ने। टोटल स्कोर अब जा पहुंचा है 30-30। फुल टॉस गेंद मानो अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इस वक्त फुल टॉस गेंद देना और रन बन चुके हैं 30। देखना है किसकी वसूल होने वाली एक्स्ट्रा फीस। अब जीत के लिए यहां से सिर्फ 15 रन चाहिए, गेंद बची है 10। दस बॉल में 15 रन, इतना दूर मारा था कि गेंद की गुमशुदा विभाग में रिपोर्ट लिखवानी पड़ी है, दूसरे गेंद की वहां पर मांग की एम्पायर ने। दस 15 का इक्वेशन, फाइक अंसारी यूं ही नहीं, इन्हें हिटमैन ऑफ भिवंडी कहा जाता है क्योंकि आते ही सात बड़े हिट के लिए काफी जाने जाते हैं। 10 बॉल 15 रन, अख्तर शेख जिन्होंने पहला ओवर अच्छा किया था उसके बावजूद भी 11 रन आ गए थे क्योंकि एक्स्ट्रा रन्स थोड़ा ज्यादा खर्च किए थे, दो इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया था। अगली गेंद, इस बार खूबसूरत गेंद, खूबसूरत वापसी, वाइड यॉर्कर वहां पर दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन बीट हुए फाइक अंसारी, डॉट बॉल। अब यहां से 9 गेंद में जीत के लिए 15 रन 15 रन्स। आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है इस वक्त, अगर हम बात करें एबी स्पोर्ट की कमाल की, ये मैच अभी तक घटता हुआ। इस बार फिर से बड़े हिट की कोशिश की थी लेकिन इस बार उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बना, गेंद पीछे की तरफ गई है, एक रन 23 कदमों के साथ पूरा किया है। अब 8 बॉल में जीत के लिए 14 रन्स। आठ गेंदों में जीत के लिए 14 रन चाहिए, मैच कोई भी छोड़ने को नहीं है तैयार। देखना है मेगा फाइनल की चैंपियन की ट्रॉफी किसके हाथ जाने वाली है। अकबर शेख और फाइक अंसारी दो मजबूत स्तंभ इस वक्त एबी स्पोर्ट के मौजूद हैं। कुछ बच्चे ग्राउंड में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाहर जाना है, बच्चे मन के सच्चे तुरंत ग्राउंड के बाहर निकल जाना है। अख्तर शेख मुड़ते हुए अकबर शेख के लिए, इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद लेकिन उतना अच्छा ड्राइव गेंद जा रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर दूर से आते हुए जब तक थ्रो करते 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, इसे कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट, बड़े स्ट्रोक ही नहीं रनिंग बिटवीन द विकेट भी आपको कमाल की करनी होती है। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 12,
गेंद बची है सात, सात बारह का इक्वेशन और इस मैच का सात बारह किसी को भी नहीं समझ में आ रहा। सात बारह का इक्वेशन, देखने कौन होगा किसके लिए सबसे प्यारा। ओ बहुत ही खराब गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। अब चाहिए सात ग्यारह, सात ग्यारह का इक्वेशन है। क्या मैच हो रहा है, मेगा फाइनल जिस तरह चाहिए उसी तरह हमें देखने को मिला है। रंग लाई अमीदू जमान सारी की मेहनत, रंग लाई है फ्रेंड सर्कल ग्रुप की मेहनत, पैसा वसूल मैच। इस बार तेज तर्रार हिट किया है गैप में, दूर से आते हुए वहां पर आमिर अंसारी, कमाल की फील्डिंग, एक रन ही वहां पर हो पाएगा, एक से सहमत। अब चाहिए छह में दस, कौन कहेगा अब्बास। छह बॉल में जीत के लिए दस रन। देखिए कुछ बच्चे अभी भी ग्राउंड में आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बाहर जाना है, कुछ दर्शक भी हैं। जल्द से जल्द इंडियन इलेवन आप लोगों को आखिरी ओवर की शुरुआत करनी है। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आकाश पाटिल, इससे पहले भी एक मुकाबला जीता चुके हैं जब छह में सोलह चाहिए थे, लेकिन यहां पर दस है, मुश्किल है। अगर मुश्किल काम ही आप कर पाएंगे तभी तो चैंपियन बन के जाएंगे, आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता, और खासतौर पर भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 में तो कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर अकबर शेख और टीम के कप्तान अभी तक चले हैं सीना तान। फिल्टास गेंद, ये देखिए गलती कर दी है यहां पर गेंदबाज ने, देखने वहां पर रिव्यू की मांग की है बीमर के लिए। बल्ले बैट्समैन ने रिव्यू लिया, बैटिंग टीम ने, देखने क्या फैसला आता है। बहुत खराब गलती कर दी यहाँ पर, फुल टॉस गेंद कर बैठे आकाश पाटिल, और गेंद भी आकाश में चली गई थी, जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फ्लड लाइट लगी हुई बिल्कुल उसके बगल से गेंद निकली थी। इस वक्त अब मुश्किलात बढ़ गई है इंडियन इलेवन की। फेयर डिलीवरी, इस तरफ फेयर डिलीवरी, लीगल बॉल, तो अब यहां से जीत के लिए चाहिए पांच में चार, कहीं ना कहीं लगता है बदल गया है विचार। पांच गेंदों में जीत के लिए चार, देखना है किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। जीत के लिए यहां से रन चाहिए चार, अब बस हमें करना होगा, मैं समझता हूं अगली तीन बॉल में कहीं ना कहीं पिक्चर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। आकाश पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट अकबर शेख के लिए, मिस टाइम स्टॉक, गेंद हवा में लेकिन फील्डर तक नहीं कैरी करेगी, एक ही रन आएगा, अभी भी चाहिए चार में तीन। ये टूर्नामेंट रहा बहुत ही नीट एंड क्लीन, चार तीन का इक्वेशन, देखना है कौन इसे करेगा पार, किसकी होगी हार। चार बॉल में तीन रन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये मेगा फाइनल, क्योंकि जो जीतेगा इतिहास के पन्नों में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सिटी फॉर्मेट में पहली दफा कौन चैंपियन बनने वाला है। इस बार खूबसूरत स्टॉप खेला है वहां पर इनफील्ड के ऊपर से, और चैंपियन बन गई है एबी स्पोर्ट्स। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एबी स्पोर्ट्स, क्या जबरदस्त मुकाबला, मैच को जीत लिया यहां पर एबी स्पोर्ट ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक, हार्ड लक इंडियन इलेवन। Hello, hello, hello.
ये ले फटाफट सत्कार शुरू कर साथ भाई का, फटाफट चालू।